उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है नैमिषारण्य, जहां पर विराजती हैं माँ जगत जननी ललिता देवी। मंदिर में प्रतिदिन देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ ललिता देवी 51 शक्तिपीठों में एक मानी जाती हैं। माँ ललिता देवी को आदिशक्ति स्वरूपा भी कहा जाता है। मान्यता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय सर्वप्रथम आदिशक्ति के रूप में ही माँ ललिता का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति की। एक ये भी मान्यता है कि यहाँ पर देवी सती का हृदय भाग गिरा था। नवरात्र में यहाँ भक्तों की काफी भीड़ उमड़ती है। तीर्थ और मंदिर का बड़ा ही प्राचीन और पौराणिक महत्व है। नैमिषारण्य तीर्थ और माँ ललिता देवी मंदिर की मान्यता के बारे में क्या कहते हैं यहाँ के शास्त्री, आइए जानते हैं। देवी भागवत में आता है वाराणस्याम विशालाक्षी, बनारस में माता विशालाक्षी के नाम से विद्यमान है। नैमिषे च लिंग धारणी, यहाँ पर माता ने शिव को अपने हृदय में धारण किया, ये वो ललिता देवी हैं। इनका दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के किए गए पाप क्षय हो जाते हैं। पराशक्ति स्वयंभू, ये सतयुग का तीर्थ है। चार युग होते हैं, जिसमें कलिकाल में कलयुग में, और ये सतयुग की माता यहाँ पर बैठ कर के तपस्या कर रही थी ऋषियों के कल्याण के लिए और मानव सृष्टि की रचना के लिए। माता का यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ था, वो यहाँ पर बैठ करके तपस्या किया और बैठ करके तपस्या करके ऋषियों की तपस्या को पूर्ण करके नैमिषारण्य की धरती को तपोभूमि किया। राजराजेश्वरी तपस्वंदरी महामाया माँ ललिता का दरबार है और शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते हैं माता के। चक्रतीर्थ में स्नान करके दंडवत करते वहाँ माता के दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और हर साल की भांति इस साल भी लोग बड़ी धूमधाम से लोग दर्शन करने आए। ललिता देवी मंदिर का पूरे विश्व में जो है बहुत बड़ा महत्व है। ये अष्टम बैकुंठ के नाम से जाना जाता है, शक्तिपीठ है। बहुत दूर दूर से देश विदेश से यहाँ पे बहुत भक्तजन आते हैं और जो भी उनकी मनोकामना है माता रानी उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, और जो भी झोली फैला के माता रानी के दरबार में आता है वो झोली भर के जाता है।